हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सीटेट पेपर 2, DSSB, KVS, NVS, UPTET, MPTET, SuperTET या किसी भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स करवा रहा था मंडे टू थर्सडे शाम को 4 बजे। ओके, तो उसको लेकर उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे बात करेंगे जो कि कैसे चल रहा था हमारा मल्टीलिंगुअल यानी कि आपका बाइलिंगुअल चल रहा था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर चल रहा था। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 11th लेक्चर नंबर है। इससे पहले मैं आपके 10 लेक्चर ले चुका हूँ अलग अलग टॉपिक के। कौन कौन से टॉपिक के एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मली आपके इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको ये शुरू के 4 टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और SCF और LCM, ये चारों के चारों मैंने बेसिक्स टू ट्रिक के मेथड से आपको समझाया है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ ही साथ देता रहा हूं। ओके, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में। और ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला चैप्टर आपने नहीं समझा तो आपके बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे, लाइक डिस्काउंट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, या फिर आपका CISI हो गया, या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो होते हैं चैप्टर्स जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर, उनमें भी यहाँ से आपके काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो परसेंटेज एक आपका ऐसा चैप्टर है जो सिंगल चैप्टर ना होकर 5 से 6 चैप्टरों का क्या है, संग्रह है। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे आधार पर आपका डिस्काउंट भी है, SI भी है, CI भी है, तो इसी के आधार पर आपके बहुत सारे चैप्टर हैं। इसलिए परसेंटेज को आराम से समझिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो 3-4 चैप्टर इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्या है, डिपेंड होते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5th परसेंटेज के बारे में। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब ये परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जो है आखिर होता क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो प्रतिशत जो है वो आपको किसी भी वैल्यू को 100 में से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, यानी कि 100 से कोई चीज़ उसके बराबर होती है या उसके कोई चीज़ कम होती है, तो 100 से डिस्ट्रीब्यूटेशन करने को ही क्या कहा जाता है, आपका परसेंटेज कहा जाता है। ओके, इसी में आपकी दो चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाता है आपका फ्रैक्शन, यानी कि आपको दे दिया जाएगा 1/2 किसके बराबर है, कितने परसेंटेज के बराबर है, या फिर परसेंटेज देकर उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो आपको पूरा का पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% जो है उसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करो वो किसके प्रतिशत के बराबर है या किस फ्रैक्शन के बराबर है, तो आप सभी को पता हम क्या करते हैं, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 इक्वल क्या होता है, 100 के बराबर होता है। ओके, तो आप क्या करते हो, सिंपली 20/100 कर देते हो और उसको काट देते हो। कैसे? तो 20×5=100 हो जाता है। तो सिंपली 20% किसके बराबर होता है, वो 1/5 फ्रैक्शन के बराबर होता है। डिपेंडली आप ये नाम दे देते हो या ये आंसर लिखकर अपना सॉल्व आउट कर लेते हो। ओके, तो इसी को ही कहा जाता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। या फिर आपको अगर मैं बोलूं कि 25% किसके इक्वल में है, तो आप सिंपली क्या करते हो, 25%/100 लिख देते हो और उसको काट देते हो, जो कि 25×100 हो जाता है। तो किसके बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। ओके, या फिर इसी एग्जांपल की तौर से अगर मैं आपको दे दूं 50% किसके बराबर होता है, तो सिंपली क्या करते हो आप, 50/100 कर देते हो और उसको काट देते हो 50×100, यानी कि 50% किसके बराबर होता है, उसके आधे के बराबर, 1/2 के बराबर होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी फ्रैक्शंस की वैल्यू निकालते हो, जो कि आप सभी को बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को पता होगा, लेकिन उसी टाइप पर आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही आपको ये क्या बोल देता है, 1/5 है, इसको आपको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, 1×100, क्योंकि हम फ्रैक्शन में उसको नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्रतिशत में चेंज करना हो तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली ये क्या हो जाता है आपका, 100/5 और उसको इसका काट देते तो 5×2=10 = में क्या लिख देते हैं हम उसको, 20% लिख देते, 20% लिख देते, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार समझ में नहीं आ पाता आखिर ये है किसके बराबर। फॉर एग्जांपल 16/2/3, इसको आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन को,
प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखने से समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चेंज करें इसको प्रतिशत में तो किस प्रकार से चेंज करें। वैसे तो आपका ये देखा जाए ये परसेंटेज में अगर आप इसको करने के लिए क्या करते हो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो 16 तीन 48 दो 50, तो 50 अपॉन में क्या कर देते हो उसको 3 कर देते हो। 3 करने के बाद अभी मैंने आपको बोला ऊपर से आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो जैसे कि ये कितना हो जाएगा 5000 ऊपर मल्टीप्लाई करा और नीचे, तो अगर ये कट रहा हो तो इसको काट देते हैं, नहीं कट रहा हो तो इसको ऐसे ही रहने देके सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ परसेंटेज की वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं और कुछ आपकी फ्रैक्शंस की वैल्यू अलग से तरीके से आ जाती है। कैसी आ जाती है उन्हीं चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस के और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे ये तो आपको समझाने की मतलब था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस जब आ जाते हैं जब हम किस प्रकार से उसको टैकल करें, तो कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा और कई बार आपके बिल्कुल सिंपल सिंपल से फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि 1/5 किसके बराबर होता है आपके, वो आपका 20% के बराबर होता है। यहीं पर ही आपको बोल दिया जाए कि 1/4 जो होगा वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो आप क्या करते हो सिंपली 1 × 100/4, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऊपर का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा 1 को, और 4 से आप डिवाइड कर दोगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका क्या होगा, 4 बार होगा, मतलब कितने पे कटेगा 25 × 100 हो जाता है। तो 1/4 किसके बराबर हो जाता है, 25% के बराबर हो जाता है, ओके। अगर ये दो चीज आपने सीख ली, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, बस इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में कुछ ही प्रकार के कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओके। चलिए कुछ आपके परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ आपके 10 से 11 फ्रैक्शंस बता रहा हूँ आपको, वो तो पता होने ही होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात करी कि 100% किसके बराबर होता है, तो आप सभी को पता है 100% किसके बराबर होता है, 1 यानी कि इक्वल 1 के बराबर होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है और इसके नीचे 100 लिखेंगे तो 100 × 100 हो जाएगा, ओके। तो पहला आपको 100 होगा वो तो आपको याद ही है। दूसरा हो गया आपका 50%, जो कि किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर होता है, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बोला 50% अपॉन में है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो 50 × 100 तो 1/2 हो जाता है इसका, ओके। तो कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, शॉर्ट करके यानी कि पेपर को जल्दी सॉल्व करने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। अब कई बार आपको दे दिया जाएगा 33/1/3 जो प्रतिशत होता है वो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/3 के बराबर होता है। कैसे, तो 33 × 99 = 100 और नीचे करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 को 3 से 300 को काटेंगे तो 1/3 आएगा, ओके। तो 33 किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है, 33 × 1/3 तो 1/3 के बराबर होता है, ओके। वहीं पर ही अभी मैंने आपको बताया 25% किसके बराबर होता है, तो 1/4 के बराबर होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए 20% किसके बराबर होता है, तो 20% आपके किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। वहीं पर ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 16 2/3 जो कि मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दिया था, ये 16 2/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/6 के फ्रैक्शंस के बराबर में होता है। और वहीं पर ही अगर आपसे पूछ लिया जाए 14 2/7 ये फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो किस परसेंटेज के बराबर होती है, तो ध्यान रखिएगा 1/7 के बराबर होती है। और कुछ ज़्यादा नहीं, आपको मैं 12-13 बता देता हूँ, उसी फ्रैक्शंस में से आपके क्वेश्चंस अधिकतर देखने को मिल जाते हैं, उससे डीपली नहीं जानते होते हैं, ओके। तो 12 1/2 जो होता है वो किसके प्रतिशत के बराबर होता है, तो 1/8% के बराबर होता है। सिंपली जैसे मैंने ये आपको सॉल्व करा, बाकी अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, बाकी आपको ये फ्रैक्शन जो वैल्यूज़ हैं वो कम से कम आपको ध्यान तो रहनी ही रहनी चाहिए, ओके। तो 11 1/9% जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/9 के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है आपका 10%, 10% जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो तो सिंपली आप सभी को पता, 10 के नीचे हम 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10% हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक आपको और ध्यान रखना है, 9 1/11% जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1/11 के बराबर होता है, ओके। तो ये कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, कम से कम इनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ओके। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की वैल्यूज है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। अब ये फ्रैक्शन कैसे मदद करेगा, तो एक क्वेश्चन को करके देखिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन क्या दिया जाता है, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 14 2/17% ऑफ
ठीक है 784 है ये वाला, माइनस में 16 2 बटे 3 परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ 216 प्लस में 12 1 अपॉन में 2 परसेंटेज ऑफ अपॉन में 512। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको सॉल्व करने के लिए बोल रखा है। तो देखो 4 2/7% निकालना है ऑफ 784, यानी कि 784 का 14/2/7% जो है वो लेना है, उसको माइनस कर देना है 216 के 16/2/3% में और उसको जमा कर देना 512 के 12/1% में। तो अगर आपको वैल्यूज़ पता है इनकी, इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं 784 का 14/2/7% निकालने लग जाऊं तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर मुझे 14 2/2 1/7 की वैल्यू अगर पता है, जो कि किसके बराबर होता है 1/7 के बराबर होता है, तो 1/7 मल्टीप्लाई में 784, तो ये होगी वैल्यू। इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ 784 अपॉन में 7 माइनस में 16 2/3, तो किसके वैल्यू के बराबर होता है 1/6 के बराबर, तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ 216/6 और जमा में अगर 12 1/2 की वैल्यू, तो 12 1/2 किसके बराबर होता है 1/8 के, तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ 512/8। तो ये देखो इस 784 का 14 2/2% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू जो कि मैंने अभी आपको ये बताई है ये पता होंगी, तो डायरेक्टली आप एक लाइन ये लिखोगे, फिर इसको इससे काटोगे, काटने के बाद जैसे कि अगर इसको 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 2 14 ये कितने पकड़ जाएगा 112 पे, और इससे काटोगे तो 6 3 18 और 6 6 36, 8 से काटोगे 512 को तो ये हो जाएगा 8 6 48 और 8 6 48 और 8 4 तो ये कट गया आपका 48 3 32 64 पे। तो आप देखो 112 में से 36 माइनस कर दो, जमा कर दो 64 पर, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये जो परसेंटेज होता है ना, इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं और ये फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर आपको ध्यान होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, 1/11 तक याद रख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ही बताई है मैंने आपको, 11 तक वैल्यू आपको पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी ये बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो ये कुछ आपके परसेंटेज और कुछ फ्रैक्शंस में किस प्रकार से होते हैं क्वेश्चंस वो बताए हैं। अब आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज से कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में या आपके प्रैक्टिस करने के लिए। ध्यान रखिएगा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिसको आता हो तो कंफ्यूज ना होए कि सर बिल्कुल ईजी करा रहे हैं, बिल्कुल परसेंटेज आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, ओके। तो ये थे आपके कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज का बेसिक में आपका एक पहला क्वेश्चन बोल रखा है किस संख्या का 11% 33 है, मतलब बाय व्हाट नंबर इज 11% 33 इक्वल। तो यानी कि आपको वो बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 11% कितना होगा, वो 33 के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि देखो इसने क्वेश्चन में बोल क्या रहा है समझने की कोशिश करो। इसने बोला है 11% जो है वो कौन सी संख्या है, यानी कि x है जिसका क्या होगा 33 होगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो। तो ये तो आप सिंपल से मैंने अभी आपको इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि एक बता दिया, 11% का मतलब क्या होता है 100 इंटू में x इज इक्वल टू में 33, और आप सभी को पता है इज इक्वल टू में जो वैल्यू होती है ऊपर वाली वो दोनों क्या हो सकती हैं कट जाती हैं। तो 11 3 33 होता है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ये वाली वैल्यू उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में ही होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 300 से, तो कितना आएगा वो आपका 300 आएगा। तो x की वैल्यू अगर 300 है तो 300 का 11% निकालोगे तो कितना निकलेगा 33 निकलेगा, तो सही आंसर क्या था आपका 300 था, ओके। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछ रहा है आपका कि बाय व्हाट नंबर इज 11% 33, यानी कि किस संख्या का 11% 33 है। तो सिंपली जो चीज़ बोल रहा है वो लिखते चलो, 11% का किस संख्या यानी कि x मान लिया हमें पता नहीं है वो 33 होगा, फिर परसेंटेज की मतलब होता है 100 और ऊपर वाली जो इक्वल टू में वैल्यू होती है ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है। अगर ऐसा समझ में आपको नहीं आता है तो 100 इस तरफ लेके जाओ, 11 इसके नीचे लेके आओ, उसको इससे काट दो और बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 300, ओके। तो ये था बेसिक में कुछ क्वेश्चन आपका पहला। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, इफ एक्स परसेंट ऑफ 350 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यदि 350 का एक्स प्रतिशत 21 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि देखो इसने सारी चीजें बोल रखा है कि 350 का एक्स प्रतिशत, यानी कि 350 का हमें इस बार क्या पता है, परसेंटेज नहीं पता है, तो एक्स प्रतिशत वो किसके बराबर है, वो 21 के बराबर है। तो 350 का गुना में एक्स प्रतिशत यानी कि 100% का मतलब इज इक्वल टू में 21 है, ये दे रखा है आपको। तो ये आप इधर देखो, मैंने अभी आपको बोला ये दोनों अपोजिट में हुए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 21 मल्टीप्लाई में, ये नीचे वाला यहाँ पर 100 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 350, ये मैं लिख सकता हूँ। तो देखो जीरो से जीरो काटेंगे, 5 दुनी 10, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, 3 दुनी 5, तो x इज इक्वल टू में क्या आएगा, 5%। तो आपका 350 का 5% निकालोगे, ओके यहाँ पर 7 तिया 21 और 3 दुनी 6 होता है, मैंने प्लस कर दिया उसको, 3 दुनी 6 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो x का 6% आप, यानी कि 350 का आप 6% निकालोगे तो कितना आएगा, वो आपका 21 आएगा। ओके, तो यही आपका इस बार क्वेश्चन में बोल रखा था कि 350 का x प्रतिशत अगर 21 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो कई बार आपको परसेंटेज में देकर पूछ रखा होगा वैल्यू क्या है, और कई बार आपको वैल्यू देकर पूछ रखा होगा परसेंटेज क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है इफ 8% ऑफ x इज 8% ऑफ y, देन व्हाट इज 20% ऑफ x, यानी कि x का 8% y के 4%, तो x का 20% कितना होगा। देखो यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत बहुत हो गया, पहले ये चीजें लिखो कि वो उसने बोला क्या है। इसने बोल रखा है x का 8% y के 4% के इक्वल है, यहां तक हमारी वैल्यू बात पता हो गई। अब ये बोल रहा है कि x का 20% जो होगा वो y के कितने के बराबर होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपली आप ये देखो, अगर x का 8% है तो y का 4%, मतलब हाफ हो रहा है। तो अगर मैं x का 16% कर दूं तो y का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। मतलब 8% का मतलब 4 हो गया, और 4 का x का 4% किसके बराबर हो गया, y के 2% के बराबर हो गया। तो x में अगर हम 4 जमा जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और y में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो y का कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो गया। एक तो ये तरीका था बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक तरीका और है कैसे, जो कि मैंने आपको एक गाना बताया था। देखो इसने क्या बोल रखा, यदि x का 8% 4% के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा। तो सिंपली देखो क्या बोल रखा है इसने, यदि x का 8% 4% के बराबर है तो 20% का y किसके बराबर होगा। तो 4 दुनी और 2 दस, तो सिंपली क्या आ गया आपका, 10%। ओके, तो क्वेश्चन में जैसा भी हो, उस जिस तरीके से आपको सॉल्व करना हो उस प्रतिशत से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिंपल तरीका है, अगर x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% कितना होगा। तो सिंपली ये पूछ रखा था y का कितना होगा, वो 10% के बराबर होगा। ओके, अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगता है तो इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से आपको गाना याद हो गया है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। नेक्स्ट टाइप देखो क्या बोल रखा है, इफ 12 1/2% ऑफ ए नंबर बी 20, व्हाट इज द 60% ऑफ दैट, यानी कि यदि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो उस संख्या का 60 यानी कि 60% कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसने बोला क्या है, सॉल्यूशन में इसने बोल रखा है यदि किसी संख्या का 12.5% जो है वो किसके इक्वल बोल रखा है इसने, वो 20 के बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है 20 के, तो उस संख्या का 60% किसके बराबर होगा। तो देखो 12 1/2 का मतलब किसका फ्रैक्शन होता है, तो 1/8 का फ्रैक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो 12 का अगर हमें वैल्यू निकाल लें, यानी कि एक वैल्यू निकाल लें, हमें x पता नहीं अभी कितना है, अगर वैल्यू निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा वो कितना है। अभी हमें ये पता है कि 1/8 जो है वो 20 के बराबर है, तो अगर मैं 8 को इधर लेकर जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दुनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 160 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 160 हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं 160 का 60% निकाल दूं, जैसे कि 160 का आप सभी को पता है ऐसे 60% निकालते हैं,
ये तो सिंपल सबको पता होगा, जीरो से जीरो काट दिया और 16 आपको 96 होता है, यहाँ पर लिख दो। यानी कि किसी संख्या का 12.5% 20 के बराबर था तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो ये आपका बेसिक मेथड था जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 12.5% जो है वो 20% के बराबर है। अब 12.5 जो होता है वो फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है, 1/8 होती है, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कुछ फ्रैक्शंस आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता और फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करता तो काफ़ी लंबा भी हो जाता सवाल। 1/8 से 8 × 2 = 16 कर दिया मैंने डायरेक्टली, यहाँ पर 160 आ गया। तो वैल्यू आपकी 160 थी और उसका हमने 60% निकाल दिया। ये तो था बेसिक तरीका। अभी मैंने आपको एक गाना बोला कि यदि किसी यदि साढ़े यहां पर बोल रखा है किसी संख्या का 12.5% किसी संख्या का 12.5% 20 के बराबर है तो उसका 60% कितना होगा। अब देखो यहां पर भी परसेंट है, यहां पर भी परसेंट है, तो मैं परसेंट से परसेंट काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। अब ये फ्रैक्शन में 12 × 2 = 24 और 1/25/2 हो जाता है और सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती है, मतलब मल्टीप्लाई में मैं 2 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर से 2 हट जाएगा तो 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5 से इसको काटेंगे तो 5×2 = 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखो 12×2 = 24, 12×2 = 24 और 24 चौक यहाँ पर निकालना है तो 24 चौक कितना हो जाता है, 96। ठीक है, आप इस तरीके से निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। ट्रिक के माध्यम से हो तो ट्रिक, अगर गाना याद है तो गाने के माध्यम से निकाल सकते हो। किसी का 12.5% 20 है तो उसका 60% कितना होगा। प्रतिशत इसमें भी था, इसमें भी था, दोनों के प्रतिशत हमने काट दिए। ओके, अगर परसेंट नहीं होता, किसी एक में होता तो हमें 100 लिखना होता, लेकिन दोनों में था, दोनों के परसेंट हमने काट दिए। सिंपल आपका क्वेश्चन कहाँ से निकल गया है, यहाँ से भी 96 निकल गया है, यहाँ से भी 96 निकल गया है। वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्या बोल रखा है, देखो, इफ यू ऐड 75 to 75% ऑफ ए नंबर, इट इज अप टू यू फाइंड द नंबर। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में ही आपको उलझाने की कोशिश करी जा रही है। इसने क्या बोला है कि अगर किसी 75% यानी कि कोई आपका वैल्यू का परसेंट है 75%, अगर हम उसमें 75 और जोड़ देते हैं, मतलब 75 और जोड़ देते हैं, तो वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है जो वैल्यू का ये परसेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 25% के बराबर है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी वो कितनी होती है, 100% होती है। ओके, तो ये 75 हो गया और ये जो होगा 25% हो गया, मतलब वैल्यू जो है 25% वो किसके इक्वल में है, 75 के इक्वल में है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि 75% में इसने बोल रखा है 75% में अगर हम 75 जोड़ दें तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या x आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बोला कोई संख्या क्या होती है, वो 100% के बराबर होती है। तो अगर ये 75 है तो ये कितना होगा हमारा, 25% होगा, यानी कि 25% अगर 75 के इक्वल में है तो इसका 100% यानी कि 25% 75 के बराबर में है तो इसका 4 गुना कर दो, यानी कि 75 × 300 होता है, तो 300 क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 300 ही होगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, बस उलझाने की कोशिश करी जा रही थी आपको कि क्वेश्चन क्या था। अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया ना तो देखो यहाँ अगर 25% 75 के बराबर है तो इसका भी हमने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, इसका भी हमने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, दोनों का 4 गुना कर दिया, यानी कि 100% किसके बराबर है, 300 के बराबर है, यानी कि वो संख्या क्या है हमारी, 300 है। अगर आप 300 का 75% निकालोगे और बचे हुआ देखो वो 75 ही बचेगा आपका, या फिर अगर 300 का 25% निकालोगे तो वो क्या निकलेगा आपका, 75 निकलेगा। ओके, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि परसेंटेज में आपको उलझाया कैसे जा रहा है। ओके, तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ और टाइप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखो, इफ 15% ऑफ 40, यानी कि यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि 40 का 15%, यहाँ पर आप लिख लो, यदि 40 का यानी कि 40 ऑफ 15%
किसके बराबर बोल रखा है? यदि 40 का 15% किसी संख्या, अब ये नहीं पता किस संख्या के बराबर है, तो किसी संख्या के 25% से दो अधिक बोल रखा है, आपको बस ये पता है कि 40 का 15%, तो सिंपली आप 40 का पहले 15% निकाल लो। अगर मैं 40 का 15%, क्योंकि प्रतिशत तो ऐसे ही निकालते हैं सिंपल, तो जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, दो दुनी दो पंजे और पाँच एकम पाँच दिया 15, क्योंकि 15 था नहीं, तो 3 दुनी 6 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 40 का 15% जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब आगे क्या बोल रखा है इसने कि 25% से दो अधिक है, यानी कि जो भी होगी आपकी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसी संख्या के 25% से क्या होगी, आपकी दो अधिक होगी। तो संख्या क्या निकली हमारी, वो 6 निकली, यानी कि अभी जो प्रतिशत निकली वो 6 निकला, मतलब दो अधिक का कहने का मतलब इससे आपकी क्या होगी, वो वैल्यू दो कम होगी, क्योंकि प्रतिशत में, तो अगर मैं 6 में से दो घटा दूँ और एक्स यानी कि एक्स का 25%, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी वैल्यू होती है, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स का 25% ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला, और फ्रैक्शन में 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, तो डायरेक्टली मैं इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन में 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब 6 में से 2 गया तो 4 इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में 4 होगा, अब 4 उठकर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 यानी कि 16, तो वैल्यू क्या निकल के आई, 16 निकल के आई। अब देखो क्वेश्चन दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, इसने बोल रखा है यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से दो अधिक है, क्या बोला, 25% से दो अधिक है, यहां पर क्या बोल रखा है, 25% से दो अधिक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। तो पहले तो हमने 40 का 15% निकाल लिया, कितना निकल के आया, 6, तो वो वैल्यू क्या है हमारी 40 की 15%, वो हमारी 6, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोल रखा, अगर वो वैल्यू 6 निकल के आई और उस संख्या यानी कि किसी संख्या के 25% से दो अधिक है, तो ये है आपकी 25% वैल्यू है हमारी x, और उससे क्या है, दो अधिक है। अब ये उठाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस करके 2 इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में 4 कर दिया, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्टली माइनस करके दिखा दिया, ये वाला, ये 2 अधिक इस तरफ था, इधर आके तो माइनस ही हो जाएगा ना, ठीक है। बस इसलिए आपको ये समझाने के लिए मैंने दोबारा सॉल्व आउट कर दिया कि किसी संख्या के 25% से दो अधिक है, तो वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, हमने उसे एक्स मान लिया, 25% मान लिया, और वो उससे कितना अधिक है, दो अधिक है, हमने प्लस कर दिया 2, तो 25% को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, मतलब एक्स अपॉन में 4 भी लिख सकता हूँ, और 2 उधर जाएगा माइनस का होगा, फिर ये बचेगा 4 और 4 चौक 16, वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 16 निकल के आई। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में बोलने की क्या कोशिश करी जा रही है और आपको फंसाया कहां जा रहा है, ओके? तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप, विवेक गेट 60 मार्क्स इन इंग्लिश एंड फेल, मतलब विवेक जो है वो अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, फेल विद 20 मार्क्स, ओके? यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी या है। अब देखो ध्यान रखिएगा कि वो एक इंग्लिश का टेस्ट हुआ, उसमें वो कितने मार्क्स लेके आया, 60 मार्क्स लेके आया, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, तो 20 मार्क्स से फेल हो गया, ओके। अब आपको ये पता चल गया कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 80 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। 60 अंक लाया वो और फेल कितना हो गया, 20 अंक से, ओके। और वो पास होने के लिए यानी कि दोनों, अगर दोनों जोड़ दिए जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने वाला पास होता है, 80 वाला पास होता है। तो आपको एक वैल्यू पर आप पता चल गई कि पास कितने वाला होगा, 80 वाला होगा। आगे बोल रखा है कि टोटल मार्क्स जो है, यानी कि टोटल जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था, वो 200 मार्क्स का था। यानी कि अब आपको ये पता चल गया टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, 200, पासिंग मार्क्स जो थे वो कितने थे, 80, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 200, तो दो जीरो से दो जीरो कटेगी, इससे ये काटोगे 2 चौक, तो डायरेक्टली आपको ये पता चल जाएगा कि 40% वाला जो होगा वो पास आउट होगा, ओके।
तो कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है पास होने के लिए, तो 40% अंकों की जरूरत है। बस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करी जा रही थी कि उस क्वेश्चन को, ये तो आप सिंपल है, दैनिक जीवन की चीजें हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम परसेंटेज निकालते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है। दोबारा क्वेश्चन को समझिए कि 60 मार्क्स लेकर आया और 20 मार्क्स से फेल हो गया है, तो आपको ये तो पता चल गया कि वो 80 वाला पास होगा। ओके, जब आपको टोटल मार्क्स पता है 200 है, पासिंग मार्क्स पता है 800 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 ही करते हैं, आप सभी को पता है। परसेंटेज निकालने के लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज यानी कि परसेंटेज से वैल्यू को, कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो उसको कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 करते हैं, अगर कोई वैल्यू दे रखी हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इन दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें यहाँ पर परसेंटेज प्रतिशत अंकों की जरूरत है, कितने प्रतिशत वो निकालना था, इसलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा, अगर वो कितना प्रतिशत से दे रखा होता तो हम नीचे मल्टीप्लाई करते। ओके, तो ये था इसका सिंपली, ये आपका इतना सा तरीका था, इतनी सी बात समझनी थी इसमें। ओके, तो कुल मिलाकर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के आपके इस परसेंटेज के चैप्टर में, पार्ट फर्स्ट में। तो ये था आपका परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट, परसेंटेज के कम से कम नहीं तो 3 से 4 पार्ट में आपकी पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट होगी, एक क्लास के अंदर परसेंटेज आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जोन जोन सी चीज़ें मैंने आपको समझाने की बात रखी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज कर लिया तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार आपको परेशान कर रहे थे, किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी जा रही थी। बाकी इस क्वेश्चनों को अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़ हो रहा हो तो एक बार और वीडियो देखिएगा, एक बार और लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ओके, तो धीरे धीरे आपको मैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, अभी हार्ड वाले क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, अभी वो आए ही नहीं है। ओके, तो वो क्वेश्चन आपके थर्ड या फोर्थ वाले पार्ट में आएंगे, जब तक आप पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे परसेंटेज को करने के लिए। ओके, तो ये थी दोस्तों आज के परसेंटेज की पार्ट फर्स्ट, क्लास फर्स्ट आपकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे वाली क्वेश्चंस, आगे वाले चेक क्लासेस में हम बात करेंगे। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास, और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।